नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्रोसिटी एक्ट के ऊपर। एक्रोसिटी एक्ट होता क्या है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसी को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। खुल के विषय पर बताएंगे कि एक्रोसिटी एक्ट होता क्या है। एक्रोसिटी एक्ट कई लोग समझते हैं कि एक थप्पड़ मार देने से भी एक्रोसिटी एक्ट लग जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक्रोसिटी एक्ट लगता है। आज हम लोग वही बताएंगे कि एक्रोसिटी एक्ट किस किस चीज़ पे लगता है। एक्रोसिटी एक्ट एससी एसटी ओबीसी अंतर्गत आता है, और उसके अंदर ही अगर कोई व्यक्ति किसी को जबरन मल मूत्र खिला देता है या पिला देता है तो उसके ऊपर भी एक्रोसिटी एक्ट लगता है। नंबर दो, अगर आपकी ज़मीन पर जबरन किसी ने कब्जा कर लिया है या आपकी ज़मीन पर कोई खेती बाड़ी करता है, आपकी जबरन ज़मीन के ऊपर आपकी फसल को काट देता है या अपना हल चलाने लगता है तो उसके ऊपर भी एक्रोसिटी एक्ट लगता है। ये तो थे दो एक्ट, लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टों के बारे में हम लोग आपको बताते हैं जो आपके एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। जी हाँ, अगर कोई भी आपके शरीर के कपड़े उतारता है या आपको नंग अवस्था में कहीं घुमाता है या आपके चेहरे पर पेंट मलता है, पेंट पोत आपके शरीर पर पोत के आपको नंगन अवस्था में घुमाता है, जो ये सभी कार्य मानवता के विरुद्ध होते हैं, तो इन सभी धाराओं के ऊपर भी एक्रोसिटी एक्ट लगता है। पॉइंट नंबर चार, अगर कोई भी आपसे जबरन भीख मंगवाता है या मजदूरी करवाता है या आपके किसी भी तरीके का शोषण करता है तो इन सभी धाराओं के ऊपर भी आपका एक्रोसिटी एक्ट लगता है। पॉइंट नंबर फाइव, अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लोगों को मतदान नहीं करने देते हैं या बलपूर्वक किसी भी उम्मीदवार के लिए अपने वोट का दुरुपयोग करवाते हैं, इस पर भी एक्रोसिटी एक्ट लगता है। पॉइंट नंबर सिक्स है, अगर सरकारी नौकरी पे कोई भी व्यक्ति कार्यरत है और उसको जाति विशेष से कार्य में परेशान करना या पढ़ाई लिखाई में कोई स्टूडेंट है उसकी पढ़ाई में परेशान करना, इस तरीके के एक्टों पे भी, इस तरीके के सब्जेक्टों पर भी एक्ट लगता है। पॉइंट नंबर सेवन, कोई भी व्यक्ति किसी भी एससी एसटी ओबीसी अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर कोई भी धमकाना, डराना, अपमानित करना या शोषण करने जैसे चीज़ों के ऊपर भी ये एक्ट लगता है। पॉइंट नंबर एट है, अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला के साथ जबरन यौन शोषण करना, उसको बहलाना, फुसलाना या उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार करना, जाति विशेष शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली ग्लोस करना, इन सभी पर भी ये एक्ट लगता है। पॉइंट नंबर नाइन है, किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना, उसको भटकाना या किसी भी चीज़ों को लिए उसे उकसाना, लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ों के लिए, तो ये तो थे एक्रोसिटी एक्ट के। इसमें हमने कुछ नॉर्मल एक्ट भी दिए हैं जो नॉर्मल एक्ट जो संविधान के दायरे में हैं, और एससी एसटी ओबीसी के लोग या अनुसूचित जनजाति के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को जान सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। We'll be right back.